हेलो दोस्तों, मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने पहले वाले जो वीडियो है सेवन चक्र का, उसमें मैंने आपको बताया कि हमारा जो सेवन चक्र होता है वो हमारे सूक्ष्म बॉडी में होता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से चक्राज होते हैं और उनमें क्या मतलब बैलेंस होने पर हमारे अंदर क्या होता है और इम्बैलेंस होने पर हमारे अंदर क्या होता है। दोस्तों, मैं अगर कहूँ सेवन चक्राज, तो सेवन चक्राज के नाम हैं। पहला है सहस्रार चक्र, दूसरा है आज्ञा चक्र जिसे ठड़ाई भी कहते हैं, तीसरा है विशुद्धि चक्र जिसे ठौर चक्र भी कहा जाता है, चौथा है अनाहत चक्र जिसे हर चक्र भी कहा जाता है, पांचवा है मणिपुर चक्र और छठा है सेक्रल चक्र जिसे स्वाधिष्ठान चक्र भी कहते हैं, और सातवां है दोस्तों रूट चक्र जिसे मूलाधार चक्र कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं चक्रों की बारे में जानकारी लेते हैं। पहला है सहस्रार चक्र। दोस्तों, यह चक्र हेड के ऊपर क्राउन चक्र जो होता है ना, क्योंकि इसे क्राउन चक्र भी कहा जाता है, तो क्राउन चक्र होता है, वहाँ पर वायलेट कलर की लाइट निकलती है। इस मतलब ये जो सहस्रार चक्र होता है, इसमें वायलेट कलर की लाइट निकलती रहती है, और यह हमारे जो पिनियल ग्लैंड होता है, जो हमारे सर के 2 इंच अंदर होता है, सिर के ब्रेन के पास, यह उसको रोल करता है, जिसका यह चक्र बैलेंस होगा उसमें वाइज इंसान होगा और वो ईश्वर से काफ़ी जुड़ा हुआ होगा, बहुत स्पिरिचुअल इंसान होगा, वो स्पिरिचुअलिटीज में बहुत आगे निकल चुका हुआ होगा वो। दूसरा है आज्ञा चक्र जिसे ठड़ाई भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें से इंडिगो कलर की किरणें निकलती हैं, इंडिगो कलर की, और इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो यह हमारे आँखों की, अगर इसके अंदर ब्लॉकेज आ जाती है तो यह हमारे आँखों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। दोस्तों, जब यह चक्र बैलेंस होता है तब वो इंसान बहुत ही इंट्यूटिव होता है और उसका माइंड बहुत ही विकसित होता है। ठीक है, और उसको बहुत जल्दी जल्दी यूनिवर्स से जो इंट्यूशन होते हैं, डाउनलोडिंग होती है, वो बहुत जल्दी जल्दी उसे होती है। दोस्तों, चलते हैं तीसरा चक्र, थॉट चक्र जिसे विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें से ब्लू कलर की जो लाइट होती है ना, वो निकलते रहती है। अगर इसमें ब्लॉकेज आ जाए तो हमें एक्सप्रेस करने में दिक्कत आती है। जो हम सोचते हैं तो हम सामने वाले को बात समझा नहीं पाते हैं, ना कह पाते हैं और बोल भी नहीं पाते हैं। इसमें ब्लॉकेज होने पर वो इंसान झूठ ज़्यादा बोलता है। यह जब इन ब्लॉकेज होता है तो सामने वाला पर्सन झूठ ज़्यादा बोलता है, जिसमें यह ब्लॉकेज होती है। दोस्तों, चौथा है अनाहत चक्र, हर्ट चक्र। यह ग्रीन कलर की लाइट निकलती है, इसमें ग्रीन कलर की लाइट निकलती है। दोस्तों, अगर इसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो इसमें हर्ट से रिलेटेड, लम्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, और इसमें अगर यह चक्र बैलेंस होता है तो इसमें जो इंसान होता है, जिसका भी हर्ट चक्र बैलेंस होता है, अब वो काफ़ी मजबूत होता है एंड लविंग और नेचर का इंसान होता है। पांचवा है मणिपुर चक्र। दोस्तों, यह मणिपुर चक्र डाइजेशन सिस्टम को बैलेंस करता है। यह नाभि के नीचे होती है, इससे हमारी पर्सनालिटी में बैलेंस होता है और रिस्पेक्ट होती है खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। ठीक है, दूसरों के लिए भी रिस्पेक्ट होती है। इसमें ब्लॉकेज आने पर इसमें लीवर डिजीज, डाइजेशन से प्रॉब्लम हो सकती है, डाइजेशन की शिकायत हो सकती है इस चक्र के जो ब्लॉकेज होता है ना, उसमें होने से। हमने कितने चक्रों को जाना? 5 चक्र, 2 चक्र और हैं। अगला चक्र है जिसका नाम है सेक्रल चक्र, छठा स्वाधिष्ठान चक्र। दोस्तों, इसमें से ना ऑरेंज कलर की लाइट निकलती रहती है, ऑरेंज कलर की लाइट इसमें से निकलती रहती है, और यह हमारा जो लोअर बैक का हिस्सा होता है उसको गबन करता है। ठीक है, उसको
किसी को हार्निया होता है, यह चक्र, अगर यह चक्र ब्लॉक है तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है किसी को, कि किसी को अगर हार्निया हो जाता है तो यह इस चक्र के बिगड़ने से, यह इस चक्र के इम्बैलेंस होने से भी होता है। जिसका सेक्रल चक्र बैलेंस होता है दोस्तों, वह इंसान बहुत ही फ्रेंडली नेचर का होता है और पैशनेट ज़्यादा होता है। सातवां है रूट चक्र, जिसे मूलाधार चक्र भी कहते हैं। दोस्तों इसमें से रेड कलर की लाइट निकलती है, इसमें से रेड कलर की लाइट निकलती है। हड्डियों का जो ढांचा होता है, मेस्कुलस जो सिस्टम होता है, मूलाधार चक्र को कंट्रोल करता है। यह बिगड़ता है तो, अगर इसके इसमें ब्लॉकेज आते हैं तो यह अर्थराइटिस हो सकता है, स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसके बैलेंस रहने से वो इंसान सामने वाला जो इंसान होता है वो बहुत ही ग्राउंडेड होता है, ग्राउंडेड रहेगा, ईगो अस्ट्रिक नहीं होगा, इंडिपेंडेंट नेचर का होगा, फ्रीडम पसंद होगा, किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो ये है चक्राज के फायदे।